अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद गोनेन। और हम लोग को जो है हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं, हैदराबाद में ही हूँ। और जो है क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, इमरजेंसी में निकलना हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग निकले हैं जो है। और क्यों निकले हैं हॉस्पिटल में, हम किसको देखने जा रहे हैं, ये सब आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट्स और वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम लोग ने जो है रास्ते में हॉस्पिटल के लिए जो है वो चाय घर से बनवा ली थी थर्मोस में, बड़ी सिस्टर ने जो है बना के दे दी थी मुझे चाय। और एक में यखनी है और एक में पानी है, तीन जो है ना मैंने इस तरह के थर्मोस हैं मेरे पास। और ये जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ, और इसके अलावा बिस्किट्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह अलग हैं। तो ये सब गाड़ी में लेके मैं पीछे बैठी हुई हूँ, और अम्मी और भाई जो है आगे हैं कार में। तो बस भाई ड्राइव कर रहा है, तो हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल और फिर वहाँ चल के दिखाती हूँ कि हम हॉस्पिटल क्यों गए हैं। और बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी थी तो हम लोग ने इमरजेंसी में ही निकले हैं। इसके अलावा जो है हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हम हैदराबाद के CMH जा रहे हैं, यानी कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है, उधर जाना है। वहाँ पर जो है ये कहते हैं क्यों जाना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH जा रहे हैं हम लोग हैदराबाद बात के। जी, तो अब हम हॉस्पिटल में अंदर आ गए थे, और यहाँ जो है क्या कहते हैं जो वार्ड है वहाँ पे हमें जाना है, जनरल वार्ड में। तो वहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब के मेरी सिस्टर एडमिट थी, उसका ऑपरेशन हुआ है सुबह में अभी आज ही। और जो है क्या कहते हैं उसके माशाल्लाह से जो है बेबी गर्ल हुई है, और बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी है। तो अभी जो है ना हम लोग आ गए थे और वो उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो वो लेटी भी है, अम्मी साथ बैठी हुई है, और हम लोग बातें ही कर रहे हैं कि कब कैसी तकलीफ़ है, क्या है, और क्या कहते हैं ऑपरेशन से हुई है तो तबीयत जो है कैसी है उसकी। काफ़ी जो है ब्लड की कमी हो गई थी मेरी सिस्टर को, तो जैट मुझसे छोटी है तो उसको ब्लड की कमी हो गई थी, तो वो बोतल वगैरह उसकी चढ़ी है ब्लड की। तो बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बेबी जो है ना आ जाए तो हम उसको देखें और लें, लेकिन ये कि वो बेबी को अभी जो है और नर्सरी में रखा हुआ था, और उन्होंने वैसे तो दिखा दिया था हमें नर्सरी पे, हम लोगों ने जाके बाहर से तो देख लिया था, माशाल्लाह से बहुत प्यारी और बिल्कुल एक्टिव और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि उनको टाइम पीरियड रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो, तो फिर जब भी वो माँ को जो है देते हैं। तो बस हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे कि बेटी वो जो है क्या कहते हैं बेबी आ जाए तो हम उसको देखें, लें उसको गोद में। तो बस ये हुआ, और फिर रात में मैं रुक गई थी। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये सुबह की है, हॉस्पिटल की है। मैं रात में अपनी सिस्टर के पास ही रुकी थी, अम्मी और भाई चले गए थे और मैं रात में रुक गई थी। तो फिर हम लोग जो है कहते हैं रात में ही उसको 9 बजे के करीब जो है उसकी जो है बेबी को जो है ना हमें दे दिया था। तो फिर उसके बाद जो है उसको
हमारे पास ही थी, रात में उसको देखना करना वो सब मैंने ही किया था। और इस वक्त जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त जो पहली सुबह की जो किरणें होती हैं ना वो इसको धूप लगा रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप बाहर ले जाएं और बाहर इसको जो है धूप इसको हल्की हल्की सी लगाएं। तो आज का ये हॉस्पिटल व्लॉग था और प्लीज़ प्रीशियस दुआओं में अपने याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी अपडेट के साथ आऊँगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हमारी आने वाली बेबी को भी और मेरी बहन को भी।